YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, करनाल की बात करेंगे जहां से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिव्यांगों के धरने का आज 52वां दिन भी जारी है। दिव्यांग लगातार धरना कर रहे हैं और 52वें दिन भी उनका धरना लगातार जारी है। प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। मांगे नहीं मानी गई तो 1 जून से आमरण अनशन पर जाएंगे दिव्यांग। ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया है, मांगे न माने जाने पर आमरण अनशन उनकी ओर से किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सरकार को चेतावनी भी वो दे चुके हैं कि आमरण अनशन पर चले जाएंगे अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, और 1 जून से आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। लगातार प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। 52वां दिन आज उनकी हड़ताल का है। प्रदर्शन जो उनकी ओर से किया जा रहा है 52वां दिन आज उसका है। लेकिन 52 दिनों से धरने पर बैठने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही। उनका कहना है कि 1 जून से आमरण अनशन किया जाएगा, अगर अब भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आमरण अनशन पर जाएंगे दिव्यांग। सरकार को ये खुली चेतावनी उनकी तरफ से दे दी गई है कि अगर अब भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 1 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगे दिव्यांग। और 52वां दिन है उनके धरने का। लगातार धरना प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर अब भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 1 जून से प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। आमरण अनशन पर दिव्यांग बैठ जाएंगे।